हाय, दिस इज रुचि शाह, वेलकम टू द किचन निंजा। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। मैंने यहाँ पे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम्स बना देंगे। अच्छे से इसे मैंने ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा बटर में टॉस करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बटर लिया है। बटर को थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट होने देंगे हम। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे वो इसमें ऐड करेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा तो आप सभी ने खाए होंगे, बट आज जो हम यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा का वेरिएशन बना रहे हैं सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस लगेगा ये रेसिपी। 2 मिनट के बाद ब्रेड क्रम्स हमारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब तक ब्रेड क्रम्स हमारे थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तब तक एक क्विक स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे तिलोपी कलर के कैप्सिकम्स लिए हैं। 1/3 स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जितना टमेटो सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जितना हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वाली रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, ये इंस्टेंट बन जाएगी। ये स्टफिंग आप पहले से बना के भी रख सकते हो और जब आपके गेस्ट आए तो आपको सिर्फ सर्व ही करना रहेगा। अब तक अगर आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सो देट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। मैंने स्टफिंग में सॉल्ट ऐड नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी दोनों भी सॉसेज में सॉल्ट है। अगर आपको सॉल्ट की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हो। स्टफिंग हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इस ब्रेड पिज़्ज़ा को असेंबल कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है और ब्रेड क्रम्स जो हमने टोस्ट किए थे वो भी रेडी है। मैंने यहाँ पे 2 माइक्रोवेव प्रूफ ग्लासेस लिए हैं। अब इस ग्लास में 1 लेयर हम ब्रेड क्रम्स का ऐड करेंगे। हल्का सा इसे हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। 2nd लेयर हम स्टफिंग का ऐड करेंगे। स्टफिंग के लेयर को भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अगर आपके घर पे गेस्ट है तो आप ब्रेड पिज़्ज़ा को कुछ इस तरह से सर्व करोगे तो आपके गेस्ट बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। सो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहो तो आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हो, टोटली योर चॉइस। चीज़ ऐड करने के बाद इस पे हम फिर से ब्रेड क्रम्स का एक लेयर ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है, ब्रेड लेयर का, ब्रेड क्रम्स का एक लेयर और फिर हमने स्टफिंग का एक लेयर ऐड करना है। फिर से इस पे हम चीज़ ऐड करेंगे। सेम मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहो तो आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हो। अब इस पे हम थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। चीज़ी फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्राइज़ बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 कच्चे के लिए लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम पील करेंगे। अच्छे से इसे मैंने पील कर लिया है। अब इसे हम थिन स्लाइसेस में कट करेंगे। पहले इसे हाफ कर देंगे हम और अच्छे से थिन स्लाइसेस में हम इसे कट करेंगे। सारे फ्राइज़ को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसे हम तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे। एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, ये केले हमारे जल्दी ब्लैक नहीं होंगे और जब हम इसे किचन क्लॉथ पे लेंगे और फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। किचन क्लॉथ मैंने यहाँ पे ले लिया है। फ्राइज को हम इस क्लॉथ पे रखेंगे सो दैट उसके एक्सेस वाटर जो होगा वो निकल जाएगा और थोड़ा सा स्प्रेड करके रखना है हमें इस तरह से। अच्छे से एक बार हम लोग डैप कर लेंगे सो दैट जो भी पानी है वो निकल जाए। अब मैंने इसे एक प्लेट में ले लिया है। 1 टेबलस्पून जितना इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अच्छे से सारे फ्राइज को हम कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लावर से।
मैंने एक साइड ऑयल भी गरम करने रख दिया है। कॉर्नफ्लावर से कोट करने के बाद इसे हमें तुरंत फ्राई करना है। ऑयल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं हमारे फ्राइज। अब इसे हम ले लेंगे और सेकेंड बैच भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सेकेंड बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम ले लेंगे। आज हम यहाँ पे चीज़ी फ्राइज बना रहे हैं, तो फ्राइज़ हमारा ऑलरेडी बन चुका है। एक चीज़ सॉस फटाफट बना देते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर लिया है। 1 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे। आप मैदा यूज़ नहीं कर सकते हो तो आप मैदे की जगह पे गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। मैदा हमारा अच्छे से बटर के साथ मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास जितना मिल्क लिया है। मिल्क को अच्छे से हम स्टर करेंगे और मिक्स कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून जितना सॉल्ट ऐड करेंगे। अब आप चाहो तो आप इसमें पिंच हल्दी भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ वो येलो कलर के लिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। चीज़ ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे जब तक कि सॉस हमारा थोड़ा सा थिक ना हो जाए। आप देख सकते हो सॉस हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।